नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, कल जो काबुल एयरपोर्ट पर हमला हुआ है वो बहुत ही चिंताजनक है और भारत के लिए खास तौर पर चिंताजनक है। खबरें जो आ रही हैं उसके मुताबिक एक आत्मघाती हमले में जिसमें दो सुसाइड बॉम्बर्स थे, 60 लोग मारे गए हैं। दोस्तों, इसमें अमरीकी सेना के 12 सोल्जर्स हैं और यह बताया जा रहा है कि इस हमले के पीछे आतंकवादी संगठन ISIS है। और आप जानते हैं, पिछले कुछ अरसे से हक्कानी गुट, जिसे कम से कम मैं एक आतंकवादी संगठन मानता हूं क्योंकि इसे पूरी बैकिंग मिली हुई है पाकिस्तानी ISI की, वो हक्कानी गुट, उसी के जिम्मे में आजकल सिक्योरिटी है। वो हक्कानी गुट जिसने इससे पहले भारतीय दूतावासों को निशाना बनाया है और कम से कम ऐसे कई हमले हुए जिसमें हमारे दूतावास, हमारे राजदूत भी मारे गए। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल के लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। आज भारत के लिए एक बहुत ही चिंताजनक बात है और दुख की बात यह है कि भारत के पास इस वक्त कोई प्लान नहीं दिखाई देता है। आपके सामने यह शख्स देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर, और एस जयशंकर आजाद भारत के इतिहास में सबसे नाकाम, सबसे नाकारा विदेश मंत्रियों में गिने जाएंगे। मैं आपको बतलाने वाला हूं कि इस वक्त खुद भारत सरकार में किस कदर असमंजस है। जैसे कि आप जानते हैं, कल विपक्ष के नेताओं के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर की बैठक थी। इस बैठक में एस जयशंकर ने कहा कि हमारी प्राथमिकता इस वक्त जो तमाम भारतीय वहां फंसे हुए हैं उन्हें निकालने को लेकर है। मगर यह बात अलग है दोस्तों कि तालिबान के साथ हमारे क्या रिश्ते होंगे, उनके साथ हमारा क्या एंगेजमेंट होगा, इसको लेकर पूरी तरह का असमंजस बना हुआ है। अमेरिका तो चुपचाप निकल गया, हालांकि उसके भी 12 सैनिक मारे गए कल के आतंकवादी हमले में, मगर भारत की क्या रणनीति होगी इसको लेकर कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके स्क्रीन पर यह शख्स है, AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने कुछ सवाल उठाए जिसका जवाब दिए जाने की जरूरत है। असदुद्दीन ओवैसी ने दो ट्वीट्स के जरिए कुछ सवाल पूछे हैं। सबसे पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में, टाइम्स नाउ को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है, आपके स्क्रीन पर, अफगानिस्तान में हमारे दूतावास पर दो हमले हुए, इसमें हमने एक डिप्लोमैट को गवाया, हक्कानी गिरोह इसके पीछे था, अब वो सत्ता में है। क्या आप तालिबान को एक आतंकवादी संगठन बताएंगे? UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत क्या भारतीय जनता पार्टी अपने प्रवक्ताओं को मुंह बंद करने को कहेगी ताकि वो दूसरे लोगों को टेलीविजन पर तालिबान ना बताए? अहम सवाल उठा रहे हैं यहां पर असदुद्दीन ओवैसी। हो क्या रहा है दोस्तों कि न्यूज चैनल्स को TRP का एक जरिया मिल गया था। ऊपर से जब आप तालिबान को पर निशाना साधते हैं तो उसके जरिए कहीं ना कहीं आप विपक्षियों पर निशाना साध रहे हैं, ठीक है, और तालिबान का मुद्दा उठाते हैं तो आपको हिंदू मुस्लिम में नफरतें फैलाने का एक जरिया भी मिलता है। यही वजह है कि अब तक न्यूज चैनल्स जो हैं तालिबान को पानी पी पी कर गाली दे रहे थे। भारत सरकार ने अब तक यह नहीं सोचा था कि हो सकता है कि तालिबान का अपना प्रचार तंत्र ये तमाम न्यूज चैनल्स वहां पर देख रहा होगा और हमारे जो नागरिक वहां पर हैं उनकी जान पर बन आ सकती है। तालिबान के नाम पर किस तरह का झूठा प्रचार चल रहा है इसका जिक्र मैंने अपने एक और शो में किया था। आपके स्क्रीन पर ये रिपब्लिक भारत का वीडियो चल रहा है। इसमें रिपब्लिक भारत ये दावा कर रहा है कि उत्तरी गठबंधन के जो लड़ाके हैं उन्होंने, देखिए, एक ब्लास्ट में तालिबान को उड़ा दिया। ये वीडियो चल रहा है दोस्तों। बाद में पड़ताल में पाया गया कि दरअसल ये वीडियो मिस्र का है, इजिप्ट का है, 1 साल पुराना है। यानी कि रिपब्लिक भारत इस तरह से झूठ का प्रचार प्रसार कर रहा है कि किसी तरह से तालिबान की खबर को गर्म रखा जाए। फिर रिपब्लिक भारत ने एक और काम किया। इन्होंने क्या किया, यह वीडियो दिखाया जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रहा है और यह कहा कि देखिए किस तरह से एक तालिबानी कमांडर पर गोलियां चलाई जा रही हैं, जबकि यह वीडियो यमन में एक आर्मी कमांडर का था। और यह सिर्फ रिपब्लिक भारत की बीमारी नहीं है, कई न्यूज चैनल्स दो दो तीन तीन साल पुराने किसी दूसरे देश के वीडियो को इस तरह से चला रहे हैं ताकि तालिबान को लेकर तापमान जो है वो बढ़ा रहे। मगर दिक्कत की बात यह है दोस्तों कि जब आप अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी राष्ट्रीय नीति चुनावों को मद्देनजर रखकर करें
तो सिर्फ देश का नुकसान होगा, देश की साख को नुकसान पहुंचेगा, देश के हितों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। आज मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब आप इस तरह के वाहियात कार्यक्रम चलवाते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता न्यूज चैनल के डिबेट में विपक्ष के लोगों को, जो पत्रकार इस सवाल से सरकार से सवाल करते हैं, उन्हें तालिबानी बताते हैं, तालिबान समर्थक बताते हैं, तब क्या आपने सोचा है कि देश की विदेश नीति पर उसका क्या असर पड़ रहा है? कल जब बैठक हुई उसके बाद विदेश मंत्री ये बयान देते हैं, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप विद द पीपल ऑफ अफगानिस्तान इज रिफ्लेक्टेड इन मोर देन 500 प्रोजेक्ट्स वी हैव देयर। द फ्रेंडशिप विल कंटिन्यू टू गाइड अस। हमारी मजबूत दोस्ती का प्रमाण यह है कि हमारे कम से कम 500 परियोजनाएं इस वक्त अफगानिस्तान में काम कर रही है। और यही नहीं दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि भारत ने अब तक कम से कम 3 अरब वहां पर इन्वेस्ट किए हैं, 3 बिलियन का वहां पर इन्वेस्टमेंट, वहां का निवेश किया है। क्या ये न्यूज चैनल्स सरकार से पूछते हैं कि इस चीज को लेकर भारत सरकार क्या कर रही है? कोई सवाल नहीं पूछेगा। बात यहां नहीं रुकती है। यह खबर देखिए, बहुत ही शर्मनाक खबर है। एक तरफ एस जयशंकर कह रहे हैं कि वहां की जनता से हमारे ताल्लुकात हैं। अफगानिस्तान की एक सांसद इस्तांबुल से भारत आती हैं अस्पताल में इलाज के लिए, और क्या आप जानते हैं, अस्पताल पहुंचना तो बहुत दूर की बात, उन्हें हवाई अड्डे से ही वापस इस्तांबुल भेज देता है भारत। वो अफगानिस्तान जो हमारे साथ है, जो हमसे मोहब्बत करता है, उनके सांसद को आपने भेज दिया, ये तो शुक्रिया, वापस इस्तांबुल गई। अगर ये काबुल से आई होती और आपने इस तरह से उन्हें डिपोर्ट कर दिया होता तो कितने शर्म की बात होती। तो एस जयशंकर साहब मुझे बताइए ना, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि भाई अफगानिस्तान के लोगों के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात है, दूसरी तरफ आप उनके सांसद को डिपोर्ट कर रहे हैं, और वो यहां शरण लेने भी नहीं आई थी। ये है उनकी तस्वीर, वो यहां शरण लेने भी नहीं आई थी, वो सिर्फ अपना इलाज करवाने आई थी। तो भैया ये मुझे बताइए, आपकी फॉरेन पॉलिसी कहां काम कर रही है और किस लेवल पे काम कर रही है? देखिए, एक तरफ तो मुझे याद है अभी सोमनाथ मंदिर को लेकर एक आयोजन हुआ था, प्रधानमंत्री उसमें उन्होंने भागीदारी की थी, उन्होंने तालिबान का नाम लिए बगैर, जी हां, तालिबान का नाम लिए बगैर एक बयान दिया था कि जिस तरह से सोमनाथ मंदिर पर आक्रांताओं ने हमला किया उसी तरह की विचारधारा आजकल काम कर रही है। यानी कि आप में हिम्मत नहीं हुई तालिबान का नाम लेने की। एक तरफ तो प्रधानमंत्री ये बातें करते हैं, मगर दूसरी तरफ आप ये कहने की हिम्मत नहीं रखते कि तालिबान के साथ आप पिछले 3 सालों से सीक्रेट बातचीत कर रहे थे, और आप यह कहने की भी हिम्मत नहीं करते कि इस वक्त हमारी तालिबान पर क्या राय है। जबकि ताजिकिस्तान जैसा देश पाकिस्तान को आईना दिखा रहा है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ताजिक राष्ट्रपति इमोमाली राखबोन मुलाकात कर रहे हैं पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी के साथ, और इस बातचीत में उन्होंने क्या कहा पढ़ के सुनाना चाहूंगा। ताजिकिस्तान विल नॉट रिकग्नाइज एनी गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय ओप्रेशन एंड प्रोसिक्यूशन। यानी कि अत्याचार के बल पर जो भी सरकार बनाई जाएगी अफगानिस्तान में, हम उसका विरोध करेंगे। ये बात कोई और नहीं बल्कि ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति कह रहे हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री को, सीधे उनके मुंह पर। हमें ऐसी हिम्मत क्यों नहीं है? चलिए, मैं मानने को तैयार हूं कि कभी कभी राजनीति में, कूटनीति में आपको 2 कदम पीछे जाना पड़ता है, मगर वो रणनीति क्या है, वो कूटनीति क्या है, वो तो पता चले। और आपके जहन में, आपके दिमाग में कोई प्लान है भी या नहीं है? एक और खबर बताता हूं। दोहा के अंदर अब से कुछ दिनों पहले हमारे विदेश मंत्री ने वहां मुलाकातें की थी वहां के फॉरेन मिनिस्टर से। यही नहीं, अमरीकी जो ऑनवॉय थे, अमरीकी जो प्रतिनिधि थे खलीलजाद, उनसे भी मुलाकात की थी। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये शख्स अजीत डोभाल, उन्होंने भी अमरीकी जो प्रतिनिधि थे खलीलजाद साहब, उनसे मुलाकात की थी। अमरीका तो निकल गया, अमरीका तो निकल गया, मगर आपका क्या प्लान है? और अमरीका अपने तमाम लोगों को धीरे धीरे निकलवा भी लेगा। क्या अमरीका ने भारत को चेतावनी दी थी कि जब हम अफगानिस्तान छोड़कर जाएंगे तो यह असर होगा,
इस बड़े पैमाने पर वहां पर तबाही मचने की तस्वीरें, उसका मंजर सामने आएगा? मैं यही तो समझना चाहता हूं, भारत सरकार जब यह कहती है कि हमारे वहां 500 प्रोजेक्ट्स हैं, 500 प्रोजेक्ट्स हैं, हमने वहां पर 3 अरब जो है राशि लगाई हुई है, 3 अरब की राशि लगाई हुई है, तो क्या आप मुझे बताने का प्रयास करेंगे कि हमारा प्लान क्या है? सिर्फ न्यूज चैनल्स पर अनाप शनाप डिबेट्स कर लेने से, जिसका फायदा आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में होगा, वो तमाम चीजें करने से राष्ट्रीय नीति नहीं बनाई जाती, वो तमाम चीजें करने से कूटनीति नहीं बनाई जाती। आपका एक क्लियर कट ब्लूप्रिंट होना चाहिए जो पूरी तरह से नदारद है। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट मिस्टर जयशंकर, यू आर एन एब्सोल्यूट फेलियर। आप नाकाम हैं, आप नाकारा हैं, आपको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, मगर ये नहीं होगा। इस सरकार में इस्तीफा थोड़ा ना मांगा जाता है, कोई इस्तीफा नहीं मांगा जाता और कोई इस्तीफा नहीं देता। देखिए दोस्तों, आपको यह बात समझनी पड़ेगी, जितना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र भारत के अंदर टीवी चैनल्स के जरिए नफरती प्रचार करेगा, तालिबान के नाम पर, मुसलमानों को टारगेट करने के नाम पर, इसका उतना ही ज्यादा नुकसान हमें अफगानिस्तान में होने वाला है, इसका उतना ही नुकसान हमें मुस्लिम देशों में होने वाला है, जहां हमारे भारतीय काम करते हैं, मेहनत की कमाई करते हैं, उन्हें टारगेट किया जाएगा। आपको याद होगा जब कोरोना की पहली लहर आई थी, तब पूरे न्यूज चैनल्स में बाकायदा मुसलमानों के खिलाफ प्रचार चलाया गया था, और इसका कितना नुकसान हमें गल्फ के देशों में हुआ था। गल्फ के कई देशों में कई भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि ये नफरती चिंटू वही न्यूज चैनल्स देकर नफरती प्रचार कर रहे थे, फालतू के ट्वीट्स कर रहे थे, फालतू के बयान दे रहे थे। भारत में ये सब चल जाएगा, मगर वहां नहीं चलने वाला ये सब। इसलिए होश में आइए, इसलिए एक प्लान बनाइए, देश की जनता को दिखाइए, देश की जनता के साथ ट्रांसपेरेंटली डील कीजिए, एक पारदर्शिता लाइए जो पूरी तरह से नदारद है। खैर, हमारा तो काम है कि इस कार्यक्रम के शीर्षक के आधार पर जो फलसफा है कि बोल के लब आजाद हैं तेरे, उस फलसफे को ध्यान में रखते हुए सवाल खड़े करते रहना, मगर जवाब साफ तौर पर इस सरकार के पास नहीं है। नमस्कार।